गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। बेटा, हम बात कर रहे थे नंबर लाइन की, और नंबर लाइन में हमने खूब सारी चीज़ें सीखी भाई, किस तरह हम जो है एक पॉजिटिव इंटीजर को, एक नेगेटिव इंटीजर को, और एक परिमेय संख्या उसको हम किस तरह, या भिन्न उसको हम किस तरह, और डेसिमल फ्रैक्शन सबसे बड़ी बात, दशमलव भिन्न को भी हमने नंबर लाइन पर दर्शाना सीखा। आज बेटा हम अपरिमेय संख्याएं, दरअसल में ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ये नाइन्थ और टेंथ लेवल का, स्टैंडर्ड लेवल का है बेटा, नाइन्थ और टेंथ स्टैंडर्ड का है। नाइन्थ और टेंथ क्लास के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि भाई अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं उनको एक संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। तो बेटा आइए हम स्टार्ट करते हैं कि अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर किस तरह दर्शाया जाता है। हाँ तो बेटा स्टार्ट करें। देखिए, पर सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि आखिर में परिमेय संख्या क्या है और एक अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो देखिए बेटा, परिमेय संख्या क्या होती है, रैशनल नंबर जिसे बोलते हैं, वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में, कई बार मैं रिपीट कर चुका हूं, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। बेटा फॉर एग्जाम्पल, ये सारी परिमेय संख्याएं यहाँ पे, अगर इनका हम डिनोमिनेटर देखें तो वो जीरो से बड़ा है, जीरो नहीं है। अगर जीरो होता तो क्या होता, क्या वो परिमेय संख्या होती, नहीं होती बेटा, ठीक है, क्योंकि क्योंकि उसको हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते थे। तो ना तो जीरो हो और ना जीरो के बराबर हो, यानी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर फोर है, यहाँ पे फाइव है, यहाँ पे सेवन है, यहाँ पे फिफ्टी है, यहाँ पे फाइव है, यानी ये सारी परिमेय संख्या है। कुल मिला के हमें यही ध्यान रखना है, परिमेय संख्या, कई बार डेफिनेशन पूछी जाती है बेटा, तो परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में निरूपित कर सकते हैं या लिख सकते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, बस ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट, जो आज का हमारा टॉपिक है बेटा वो है अपरिमेय संख्याएं। क्या है अपरिमेय संख्या, देखिए डेफिनेशन, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। अब डेफिनेशन देखिए इसकी, वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, पहली चीज क्या, वे नंबर्स जिनको हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। दूसरी देखिए, या उनका भागफल अशांत आवर्ती का हो, अपरिमेय संख्या कहलाती है। आवृत्ति बेटा, जब भी हम डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर में, यानी हर का भाग अंश में देते हैं, तो क्या होता है, दशमलव के बाद कभी कभी भाग खत्म हो जाता है, कभी कभी नहीं होता। जहां भाग खत्म हो जाता है वो कहलाती है शांत आवृत्ति, और जिसका भाग खत्म नहीं होता, इनफाइनाइट लूप में चला जाता है, कभी खत्म नहीं होता, अनंत तक चलता रहता है, वो होती है अशांत आवृत्ति। तो ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर जो अशांत आवृत्ति के हैं, वो भी अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। जैसे देखिए, रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन, ये सब अपरिमेय संख्याएं। यहां पर एक नंबर आया 1/3। देखिए बेटा, जब हम 3 से 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.33333, और ये सिंबल अनंत का है, किसका है, अनंत का, यानी अनंत तक 33 आता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, इन्फिनिट लूप में पहुंच जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन पता चल गई होगी, आप नोट डाउन करो, फिर अपन आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम नंबर लाइन पे शो करेंगे अपरिमेय संख्याओं को, उससे पहले, क्योंकि इसके कई सारे मेथड हैं, मैं आपको इसी मेथड लेके चलूंगा, तो सबसे पहले हमें संख्याओं को समझना है। देखो बेटा, एक संख्या होती है पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्या, और बेटा ये देखो, ये सबसे पहले होती है 2, फिर होती है 4, फिर होती है 9, फिर होती है 16, फिर होती है 25, ये बेटा पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, मतलब ये किसी न किसी का वर्ग कहलाती है, ठीक है। अब देखिए बेटा, मैं नंबर्स को, जैसे 2 है हमारे पास,
दो को कैसे विभक्त कर सकता हूं, वन प्लस वन लिख सकता हूं, ठीक है। इसी तरह थ्री है तो थ्री को कैसे लिख सकता हूं, वन प्लस वन प्लस वन, ठीक है बेटा। अब इसी तरह हमारा फाइव है, फाइव को मैं कैसे लिख सकता हूं, फाइव को लिख सकता हूं फोर प्लस वन। इनका यूज करना है आपको, ठीक है बेटा। और कम से कम लेनी है, कम से कम संख्याओं का यूज करना है। इसी तरह सिक्स, सिक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए यहां पे फोर प्लस टू लिख सकता हूं, ठीक है। सेवन, सेवन को क्या लिख सकता हूं, फोर प्लस वन प्लस वन प्लस वन। इसी तरह एट, एट को मैं क्या लिख सकता हूं, फोर प्लस फोर। इसी तरह नाइन है, नाइन को मैं क्या लिख सकता हूं, फोर प्लस फोर प्लस वन। इसी तरह टेन है, टेन को मैं क्या लिख सकता हूं, टेन को लिख सकता हूं फोर प्लस फोर प्लस वन प्लस वन, ठीक है बेटा। यहां पे जो है, यहां पे देखिए, यहां पे थोड़ा सा यहां पे वन प्लस वन होगा, ठीक है बेटा। अब इसी तरह आगे देखिए, आगे इलेवन अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या करूंगा, फोर प्लस फोर प्लस वन प्लस वन प्लस वन, ठीक है बेटा। इसी तरह अगर ट्वेल्व लिखना है, फोर प्लस फोर प्लस फोर, ठीक है बेटा। यानी आपको ये क्रम समझ में आ रहा है, टू को मैं वन प्लस वन लिख सकता हूं, थ्री को वन प्लस वन लिख सकता हूं, फोर को, कुल मिला के हमें ये नंबर्स जो है किसी न किसी के स्क्वायर में बनाने पड़ेंगे, ठीक है, वर्ग में। बेटा ये चीज आप सीख जाओ। अब जैसे थर्टीन है, अगला थर्टीन को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ मेरे को, फोर प्लस फोर प्लस फोर प्लस वन। अब देखिए, और मैं इनको कैसे चेंज कर सकता हूं, जैसे ये टू है तो ये टू को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम भाई, वन का स्क्वायर वन होता है, वन का स्क्वायर वन होता है, दोनों को जोड़ा दो टू आ गया। थ्री को मैं क्या लिख सकता हूं, वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं आ रही ना। फाइव को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए बेटा ये फोर है तो फोर को मैं कन्वर्ट कर दूंगा टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम, ठीक है बेटा। सिक्स है, सिक्स को क्या करेंगे हम, फोर है तो फोर को टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, इस तरह लिख सकते हैं ना। सेवन है, सेवन को क्या करेंगे हम, टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। इसी तरह एट है, एट को मैं क्या करूंगा, एट को लिख दूंगा टू का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर। नाइन है, नाइन को क्या करूंगा मैं, टू का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। टेन है, टेन को क्या करूंगा, टू का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। बेटा ये मैंने पहले बताया था, ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है, ये नाइन टेंथ वाले बच्चों के लिए है। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं किस तरह कन्वर्ट कर रहा हूं। जैसे अगर 11 का करें तो 11 का क्या होगा, 11 इक्वल टू जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसी तरह अगर 12 को करें बेटा, 12 को क्या करेंगे, 12 बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसी तरह 13 को करें, 13 को करें तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इस तरह बेटा हम संख्याओं को निरूपित कर सकते हैं, संख्याओं को लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। हमने कुछ नहीं किया, हमने स्टार्टिंग की पूर्ण वर्ग संख्या ले ली, ठीक है बेटा। अब हमने जो भी हमारे नंबर्स हैं, अब यहां पे फोर था, फोर को मैं टू का स्क्वायर लिख सकता हूं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। वो एक छोड़ रखा है हमने, तो हम उसको फोर को लिख के टू का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए बेटा, स्टार्टिंग टू से टू को मैं वन प्लस वन लिख सकता हूं, और इधर मैं टू को क्या लिख सकता हूं, वन प्लस वन का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम है ना बेटा। देखो थ्री, थ्री को वन प्लस वन लिख सकते हैं, और इधर मैं लिख सकता हूं थ्री को वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। फोर तो मैंने अभी बताया, फाइव को देखिए, फाइव को फोर मैंने कहा था छोटे से छोटा नंबर लेना है, तो फोर प्लस वन लिख सकते हैं। यहां पे फोर को जब हमने, फोर को हम टू के रूट में लिख, टू के स्क्वायर में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों, क्योंकि टू का स्क्वायर क्या होता है, टू इंटू टू बराबर फोर, तो टू का स्क्वायर लिख दिया, तो टू का स्क्वायर लिख के इस तरह हम लिख सकते हैं। सिक्स को इस तरह, कहने का तात्पर्य आपको समझ में आ रही होगी ये ट्रिक, ये टेक्निक आपको समझ में आ रही होगी बेटा। ये टेक्निक अपने दिमाग में बैठा लो आप,
ठीक है, इसको नोट डाउन करो। तो जो भी रूट की संख्या है, जिनको भी हमें नंबर लाइन पे व्यक्त करना है, जिनको भी नंबर लाइन पे प्रदर्शित करना है, जैसे रूट टू को प्रदर्शित करना है हमें नंबर लाइन पे, तो अगर हमें ये टेक्निक पता है तो हम इजीली कर सकते हैं, पक्का, कोई लॉजिक नहीं। सिर्फ आपको ये, कोई लॉजिक नहीं, कोई मैजिक नहीं, आपको सिर्फ ये चीजें ध्यान होनी चाहिए कि हम संख्याओं को किस तरह व्यक्त कर सकते हैं, किस तरह लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आया होगा, नोट डाउन करो, फिर हम रूट टू को नंबर लाइन पे व्यक्त करते हैं। तो बेटा रूट टू को संख्या रेखा पे दर्शाने से पहले थोड़ा सा हम पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, ये जरूरी है बेटा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल, यानी जो हमारा त्रिभुज 90 डिग्री का होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, त्रिभुज 90 डिग्री का होगा, वही काम करेगी। ये 90 डिग्री का है हमारा। अब देखिए बेटा, इसमें ये क्या कह रहा है पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण, ठीक है, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग उसके आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होता है, यानी एसी स्क्वायर। एसी हमारा क्या है? कर्ण है बेटा, ठीक है। एसी का स्क्वायर इक्वल टू एबी, एबी हमारा आधार है, एबी का स्क्वायर, और बीसी, बीसी क्या है? लंब है, तो बीसी के स्क्वायर के बराबर है। यानी अगर हमें आधार दे रखा है और लंब दे रखा है तो हम कर्ण निकाल सकते हैं, हमें कर्ण दे रखा है, आधार दे रखा है तो हम लंब निकाल सकते हैं इस पाइथागोरस थ्योरम से। लेकिन बेटा ये सिर्फ काम कहाँ करेगी? ये सिर्फ काम वहां करेगी जहां हमारा समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है बेटा, कम से कम एक कोण जो है वो 90 डिग्री का होगा। तो आई होप पाइथागोरस थ्योरम आपको समझ में आ रही होगी। चलो अब हम रूट टू को लेके चलते हैं। तो बेटा रूट टू, अब रूट टू को देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि दो को हम इस तरह लिख सकते हैं 1+1, या फिर दो को इस तरह लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। अगर मान लो इस दो पे रूट है तो इस पे भी रूट लगा दो, यानी इस रूट टू को हम क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर रूट। कोई समस्या नहीं है ना बेटा? अब अच्छा हम क्या करेंगे, सीधा सा सिंपल सा एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, और कुछ भी नहीं करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ करके यहां हम लिख देंगे 0। अब देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था कि नंबर लाइन के बीच में जितने भी हम खंड बनाते हैं, भाग बनाते हैं, उनमें जो दूरी होती है वो इक्वल रखते हैं। जैसे यहां मैंने 1 यहां पर रख दिया 2, ठीक है बेटा, इधर मैंने रख दिया -1, ये हो गया मेरा 1 और ये हो गया मेरा 2। बेटा देखिए यहां पे यदि 1 आया है, इट मींस क्या है, ये 0 और 1 और 2 के बीच में होगा, सॉरी 1 और 2 के बीच में। अगर यहां पे 2 आता, सपोज ऐसे आता 2² + 1 का स्क्वायर, और ये रूट बन जाता, ये 3 का होता बेटा, ध्यान से रखना, √3, ठीक है, नहीं 5 का, सॉरी √5 का होता है, ठीक है बेटा। क्यों होगा? क्योंकि ये 4 हो जाएगा और ये 1 होगा तो 5 हो जाएगा, तो ये √5 का होता है। तो अगर 2 होता तो हमें पता चलता है कि 2 और 3 के बीच में कहीं आएगा। अब हमें पता चल गया कि ये 1 और 2 के बीच में आएगा, यहां 1 है तो 1 और 2 के, अगर 2 होता तो 2 और 3 के, 3 होता तो 3 और 4 के, ठीक है बेटा। अब देखिए बच्चों, यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना, इसको आप ओ बिंदु मान लो, इसको मान लो ए, ठीक है बेटा, और OA को आपस में मिला दो, OA को आपस में हमने मिला दिया, ठीक है। अब मान लो ये हमने एक इकाई माना, या 1 सेंटीमीटर या 1 इंच, जो भी आप मान के चलो माना, तो वो हमने यहां लिख दिया। अब बेटा हमें क्या करना है, ये जो हमारा A बिंदु है या 1 है, इस पे हमें अपना प्रकार खोल के और 90 डिग्री का कोण बनाना है। कितने का बेटा? 90 डिग्री का। आपको पता है कैसे बनाते हैं 90 डिग्री का कोण? यहां कहीं जाके 90 डिग्री का ये कोण बनेगा, और फिर आपको क्या करना है, स्केल लेना है और स्केल की सहायता से इसको मिला देना है, ठीक है बेटा, स्केल की सहायता से हमने इसको मिला दिया। अब देखिए ये हमारा कितना था, 1 एक इकाई थी,
तो यहां पे देखिए हमारा कोई पॉइंट आएगा उसको हम बोलेंगे बी, क्या बोलेंगे बेटा बी। तो ओ इक्वल टू ए बी होता है हमेशा, ओ ए इक्वल टू ए बी, ओ ए जो है ए बी के बराबर है। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, इतना प्रकार खोलेंगे, यहां पे कट लगाएंगे, ठीक है बेटा, यहां पे कट लगाया तो ये भी हमें वन मिल गया और ये पॉइंट मिल गया हमारा बी। अब हमें क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा बी और सी को मिला दीजिए, सॉरी बी और ओ को मिला दो, ये बी और ओ को मिला दिया, ये बेटा हमारा 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब बी और ओ को मिला दिया तो ये जो हमें प्राप्त हुआ कर्ण, ये रूट टू होगा। अब कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूं। देखिए बेटा, हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम जो भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, ठीक है बेटा, ये हमारा आधार हो गया, ये हो गया, ये तो हो गया आधार, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया लंब, ठीक है, और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा कर्ण। हमें पता है, क्या पता है कि ओबी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ओबी बराबर होगा रूट किसके, वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, ठीक है बेटा, वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। देखिए ओबी इक्वल टू वन का स्क्वायर क्या होगा, वन ही होता है, यानी वन प्लस वन, और ओबी बराबर हो गया रूट टू, वन प्लस वन टू हो गया, रूट टू हो गया। इस तरह हमने मतलब रूट टू यहां लेके आए। अब जो काम करना है बेटा वो ये है कि आखिर में रूट टू संख्या रेखा पर लाइन नंबर पे कहां आएगा, तो आप प्रकार को यहां रखिए, ठीक है बेटा, प्रकार को यहां रख के आपको इतना खोलना है, ध्यान रखना प्रकार को बिंदु पर रखना है, प्रकार को कहां रखना है, प्रकार को ओ बिंदु पर, प्रकार को ओ बिंदु पर रखना है और बी बिंदु से तक खोलना है, खोल के जो हमारी पेंसिल है उससे बेटा ये चाप ऐसे घुमा देना है। आ रहा है कुछ समझ में, जब आप इसको यू घुमाओगे तो जहां भी ये इस रेखा को टच करेगा वो हमारा होगा रूट टू, इतना इजी है, कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है, अब मैं वापस एक्सप्लेन करता हूं, आपको एक बार समझ में आ जाएगा। आपको सबसे पहले वो नंबर ध्यान रखने हैं जो हमने नंबर पहले डिवाइड किए दिया, जिनको बांटा था, उन नंबर के आधार पर रूट टू को वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर रूट में लिख लेंगे। अब ओ ए बराबर ओ बी, यानी ओ ए हम खींच लेंगे, ये इनसे हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा जो आएगा वो किस किस के मध्य आएगा, ये जो सो होगा वो वन और टू के मध्य होगा। तो हम क्या करेंगे, जीरो से वन तक एक इकाई मानते हुए एओ खींचेंगे, ओ ए या एओ कुछ भी लिख सकते हैं, तो हम यहां पे ओ ए इक्वल टू वन लिख देते हैं, ठीक है बेटा, ओ ए वन हमने खींच लिया। खींचने के बाद हमने क्या किया, हमारा जो प्रकार था उसको खोल के हमने ए बिंदु पर रखा, रख के हमने क्या किया 90 डिग्री का एंगल बनाया ए पर, कितनी डिग्री का बेटा 90 का, एक चाप ये 60 का लगता है, ये 120 का लगता है, और इन दोनों के बीच में ये जो चाप आता है ये 90 डिग्री का आता है, और हमने इस लाइन को मिला दिया। सेकंड हमने क्या किया, हमें पता है ओ इक्वल टू ए बी, ओ ए और ए बी इक्वल है, तो हमने क्या किया, प्रकार को हमारा इतना खोला और बी पर भी कट लगाया बी के लिए, और बी बिंदु हमें प्राप्त हो गया। फिर हमने क्या किया, बी से ओ को मिलाया और ये हमें रूट टू प्राप्त हुआ इस प्रोसेस से, ठीक है बेटा। फिर हमने लास्ट में क्या किया, अपने प्रकार को खोला ओ बिंदु पर या जीरो पर रखा, और किससे मिलाया, बी वाले बिंदु से, और फिर उसको सीधा लाइन पे नीचे लेके आए तो हमें रूट टू प्राप्त हुआ। समझ में आया बेटा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम रूट थ्री को, रूट फाइव को, रूट सेवन को संख्या लाइन पे शो करना सीखेंगे, नंबर लाइन पे शो करना सीखेंगे। आई होप आपको उस समय और ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है बेटा, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।